हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक एंड बॉडी स्क्रब बोल लीजिए, फेस पैक बोल लीजिए या फिर आप फेस स्क्रब बोल लीजिए, मतलब ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। ये जो मैं बताने जा रही हूँ, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं इस तरह के न्यू फेस पैक वगैरह और बॉडी पैक वगैरह इस्तेमाल करती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ फ्रेंड्स। और मेरी स्किन आप देख ही रहे हो फ्रेंड्स, कितनी स्मूथ है और कितनी बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लोई है फ्रेंड्स। और अगर आप भी ऐसी स्किन चाहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग मैंने ये फेस पैक बनाया है। आप चाहें तो बॉडी पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप बॉडी वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप उस जब वो यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी रेमेडी नहीं यूज़ करनी है, सॉरी रेमेडी नहीं, आपको कोई भी साबुन नहीं यूज करना है या फिर आपको कोई भी बॉडी वॉश यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल क्लीन कर देगा आपकी स्किन को, हेल्दी बना देगा, और जो भी स्पॉट्स वगैरह होंगे या फिर आपकी स्किन में कहीं पर ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं या फिर छोटे मोटे दाने होते हैं, वो भी इसे एकदम से क्लीन हो जाएंगे फ्रेंड्स। और मेरी स्किन आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर है और आपको खुद नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्किन इस तरह से हो जाए तो आप भी ये पैक इस्तेमाल कर सकते हो। और चलिए देखते हैं कि आपको ये किस तरह से बनाना है और कैसे यूज़ करना है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे वीडियो नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप उसको चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। और आप देख ही रहे हो मेरी स्किन कितनी हेल्दी नज़र आ रही है। मैंने सिर्फ मतलब जैसे मैं नॉर्मली तैयार होती हूँ उसी तरह से मैंने अपने मतलब तैयार हुई हूँ और कुछ नहीं किया है। और मेरा आईलाइनर आज कैसा लग रहा है आप बताइएगा। मैंने कोहल से लगाया है, NYV का जो कोहल आता है ब्लू कलर का, एक्चुअली मैंने ब्लू लगाया है, लेकिन इसमें पर्पल क्यों नजर आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, बट ब्लू था। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी स्किन कैसी लग रही है और मैं आज कैसी दिख रही हूँ आप लोगों को, ये भी मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए और मैं फिर बात करती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैंने इस पैक के लिए सबसे पहले लिया है, इसमें ये है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर मैं ले रही हूँ, और इसके बाद मैं ले रही हूँ कर्ड। कर्ड आपको बिल्कुल थिक लेना है, ये देखिए कर्ड बिल्कुल थिक लेना है क्योंकि आपका पेस्ट बहुत अच्छे से बनेगा, और आप इसको बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। अपनी ये वाला पैक ऐसा है फ्रेंड्स, तो आप अपनी बॉडी पर स्क्रबिंग करनी है आपको बॉडी पर या फिर आपके फेस पर या फिर ओवरऑल आपको कहीं भी स्क्रबिंग के काम करना है तो आप इससे कर सकते हो। और ये जो मैंने दालचीनी पाउडर लिया है ये फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग काम करता है, आपके दाग धब्बों को दूर करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन बनाता है, और इसमें होता है लैक्टिक एसिड, ये बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। तो कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड तो इसलिए मैंने कर्ड लिया है। अगर आपको कर्ड सूट नहीं करता है तो आप रॉ मिल्क भी ले सकते हो। और इसके बाद मैं ले रही हूँ सैंडलवुड पाउडर। तो फ्रेंड्स सैंडलवुड पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है, आपकी स्किन को ठंडक भी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन हेल्दी भी होती है। तो ये मैंने सैंडलवुड पाउडर लिया है फ्रेंड्स 1 स्पून, और इसको आप कितना भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा ये आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ये बना लेना है फ्रेंड्स, और अपनी स्किन को अच्छे से इसके साथ स्क्रबिंग करिए। पहले इसको इस तरह छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी एंड ग्लोई हो जाएगी। तो मैं मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड्स, और लैक्टिक एसिड से आपकी जो जितने भी दाग धब्बे होते हैं, आपकी पिगमेंटेशन है आपके फेस पर, तो वो भी ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल आपकी ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, स्क्रबिंग भी अच्छी होती है आपकी, जो अभी सीजन आ रहा है इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं उसमें आप ये रोज़ अप्लाई करिए फ्रेंड्स, तो आपकी स्किन लाइटन तो ज़रूर होगी और ब्राइटन भी हो जाएगी फ्रेंड्स, और आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे वो भी लाइटन हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं लगाकर दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरह से इसको अप्लाई करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फेस एकदम
क्लीन है बिल्कुल। मैंने फेस वॉश करके आई हूँ अभी और मेरा फेस एकदम से, मैंने फेस वॉश किया है तो एकदम क्लीन सा है। और आप इसको बिल्कुल इसी तरह से ही क्लीन करके ही आपको ये पैक यूज़ करना है फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया हुआ है। ये पैक बहुत ही अच्छे से काम करेगा और मैं सिर्फ आपको फेस पर दिखा रही हूँ, आप नेक पर भी अप्लाई कर लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ फेस पर कर रही हूँ, बाद में मैं नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी। आप इसके साथ ये टू इन वन काम करता है, जैसे आप पहले इसको लगा लीजिए उसके बाद आप स्क्रबिंग कीजिए, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए आप इसको। रात में मोस्टली जितने भी जो भी पैक मैं बताती हूँ आपको नाइट में यूज़ करने हैं, और आप इसको जब भी यूज़ करें नाइट में करें, और कितना अच्छे से ये खुरदुरा हल्का हल्का सा है, मतलब बीट बीट से लग रहे हैं आपको, दाने दाने से लगेंगे, तो इसी तरह से आपको चाहिए भी है। और ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, आप इसको ओवरऑल पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ये इतना अमेजिंग काम करता है ना फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, यूज़ करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैक कैसा लगा। और जल्दी ही यूज़ करिएगा फ्रेंड्स, और आप डेली यूज़ कर सकते हो, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आप इसको डेली लगाइए जो भी आपको पसंद है। और मैंने बता दिया है अगर आपको कर्ड नहीं सूट करता है तो आप रॉ मिल्क में बना सकते हो इस पैक को, या फिर रोज़ वाटर के साथ भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने लगा लिया है, अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इस हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा गीला कर लूँगी, अगर ड्राई हो गया तो ड्राई होने के बाद जब ये हल्का सा गीला करूँगी मैं इसको अपने फेस उससे कर लूँगी रोज़ वाटर के साथ, और स्क्रबिंग करूँगी बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से, बिल्कुल स्क्रबिंग करनी है मुझे। तो मिलती हूँ मैं आपसे 20 मिनट्स के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा हल्का हल्का सा ड्राई हो गया है, अब मैं रोज़ वाटर लूँगी, ये है डाबर का रोज़ वाटर, और मेरी स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा खिंच रही है तो मैं पहले रोज़ वाटर डाल ले रही हूँ, इसके बाद स्क्रबिंग करूँगी बहुत ही हल्के हल्के हाथ से करूँगी, मैं 2 मिनट्स के लिए ही करूँगी और मैं वॉश कर लूँगी अभी, तो मैं 2 मिनट्स स्क्रबिंग कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो मेरा फेस, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, और देख लीजिए आप, और अभी मैंने ड्राई नहीं किया है। इसके बाद मैं अपने फेस को ड्राई करने के बाद अब मैं लगा लूँगी इसके बाद टोनर, टोनर मैं लूँगी मैं नीम एंड तुलसी टोनर, ये है गुड वाइब्स का टोनर फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है आपकी, अगर आपको ओपन पोर्स के लिए तो है ही ये, लेकिन आपको अगर पिंपल्स हैं या फिर आपको छोटे छोटे दाने वगैरह हैं उसके लिए बहुत अच्छा हील करता है ये, क्योंकि इसमें नीम है और तुलसी है इस वजह से। तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने रोज़ टोनर लगा लिया है नीम एंड तुलसी वाला, और देखिए मेरी जो नोज़ है बिल्कुल एकदम क्लीन हो गई है, जितने भी मेरे हल्के फुलके से मुझे ब्लैक हेड्स थे वो निकल गए हैं, बिल्कुल क्लीन है मेरी नोज़, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से शाइन आपको नज़र आ ही रही होगी, और जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ ज़्यादा अच्छे से शाइन करता है फेस, तो देख सकते हो आप, आपके सामने ही हूँ मैं। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये पैक कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स ये स्किन को एकदम वाइट नहीं कर देगा ये पैक, क्योंकि ये सिर्फ ब्राइटनिंग के लिए है फ्रेंड्स, मतलब आपकी स्किन जो है हेल्दी करेगा, ग्लो बना देगा, मतलब आपकी स्किन ग्लो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोरा बना देगा, गोरा नहीं होता है। कोई भी जो पैक होता है कोई भी बताएगा पैक, तो गोरा नहीं होता है किसी भी पैक से। हाँ आपकी स्किन लाइटन हो जाएगी एक दो शेड, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। आपको अगर पिंपल्स हैं तो वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपको स्पॉट्स वगैरह वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपको अगर ब्लैक हेड्स वगैरह है वाइट हेड्स हैं तो वो भी इससे कम हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये 2-in-1 पैक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो मिलती हूँ मैं आपसे
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किस तरह से यूज किया है और किस तरह से बनाया हुआ है, और आपको कैसा लगा ये पैक ये मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, आपको ये डेली बेसिस पे लगाना है, आप डेली यूज करिए, और जैसे आप अगर रोज लगाएंगे तो आपको कुछ ज्यादा ही फर्क नजर आएगा, और फ्रेंड्स आपकी स्किन लाइटन तो हो ही जाएगी, ब्राइट भी होगी, आपकी स्किन पे अगर थोड़े बहुत भी स्पॉट्स वगैरह है हल्के फुल्के से वो भी कम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर बहुत पुराने आपके हैं जो स्पॉट्स वगैरह हैं, आपके कोई भी दाग धब्बे हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो आप इसको रेगुलर यूज़ करिए तो आपको डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पैक कैसा लगा, और हाँ बॉडी पैक समझ लीजिए या फिर आप फेस पैक समझ लीजिए या फिर आप स्क्रब समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग की है इसने। मेरे थोड़ी बहुत से ब्लैक हेड्स वगैरह थे वो निकल गए हैं, क्योंकि मेरे जो भी मेरी स्किन है नॉर्मल तो ड्राई स्किन है मेरी, लेकिन मुझे ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बहुत अगर थोड़े बहुत होते हैं। मैं ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि मैं स्क्रबिंग ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मैं 15 दिन में या 20 दिन में स्क्रबिंग करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्किन में नहीं होते हैं अगर वो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, तो आपको छेड़ना नहीं है, अपनी स्किन को ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, तो आपको रिमूव करते रहना चाहिए, आप 2-3 दिन बाद यूज़ कर सकते हो इस तरह के फेस पैक हैं, या फिर आप स्क्रब यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें ये आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, और मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैं आज कैसी लग रही हूँ और आपको ये पैक कैसा लगा मेरा। और फ्रेंड्स आज मैंने आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से टॉप डाला है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहें तो इसका मैं रिव्यू कर दूंगी। और ये मैंने मंगा लिया था मंत्रा से, और बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिव्यू कर दूंगी फ्रेंड्स। तो चलती हूँ मैं, बाद में मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू फ्रेंड्स।